Good afternoon to all of you. Today we will see digestion. So in digestion process, the drug is extracted by heating at a particular pressure. This will increase the penetration power of the menstruum so that there is a complex extraction of drug. Precaution should be taken so that the increased temperature may not harm the active constituent. तो मतलब यहाँ पे आज हम जो देखेंगे वो ये है कि ये जो digestion process है उसमें क्या होता है actually? कि आप जो एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस करते हो तो उसमें आप एक और चीज़ की एडिशन करते हो जिसको बोलते हैं हीट। और हीट और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि जो मेंस्ट्रम है यानी कि जो सॉलिड है सॉरी जो लिक्विड है जो आपका सॉल्वेंट है तो वो सॉल्वेंट क्या होता है फिर वो सॉल्वेंट उस पर्टिकुलर जो ड्रग है उसमें वो क्या होता है फिर पेनिट्रेट करता है उसको। पेनिट्रेट करने की वजह से क्या होता है जितना भी उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है या फिर जितना भी उसका एपीआई है वो वहाँ से उस पर्टिकुलर मेंस्ट्रम में क्या होता है डिसॉल्व होता है। तो ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है डाइजेशन की। तो द एपरेटस नोन एज डाइजेस्टर इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग बाय दिस मेथड। इट इज़ अ वेसल मेडअप ऑफ मेटल। द होल ऑफ द ड्रग अलॉन्ग विद द मेंस्ट्रम इज प्लेस इन टू द बॉडी ऑफ द डाइजेस्टर। प्लेस द कवर ओवर इट and bolt it with the help of nuts. The drug is treated with menstruum for a definite period under specified condition for temperature and pressure. तो इसमें एक definite एक particular temperature के ऊपर और pressure के ऊपर आप उस drug को heat करते हो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो penetrate करता है उसकी layer को। और penetrate करने के बाद वो क्या करता है जो उसमें API है वो menstruum के अंदर dissolve होते हैं। इसके बाद factor affecting हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सो द फाइनल चॉइस ऑफ द प्रोसेस टू बी यूज्ड ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ ड्रग विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर एज फॉलोज। तो भाई लास्ट में हमको किस तरह का कैसा एक्सट्रैक्शन मिलेगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। सो कैरेक्टर ऑफ ड्रग सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज द नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी ऑफ ड्रग इज एसेंशियल टू सिलेक्ट द राइट मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अभी देखो जितनी भी हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखा तो जो ड्रग होते हैं जिनको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है वो जितनी भी ड्रग है उनकी सबकी प्रोसीजर अलग अलग होती है। आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। जो इंडियन फार्माकोपिया ने उस पर्टिकुलर ड्रग की एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड वहाँ पर बताई है जो उसकी सूटेबल मेथड है हमको वही यूज़ करना है। हम हमारी मर्जी से यूज़ नहीं करते। तो द सिलेक्शन ऑफ मेथड इज़ डिपेंड अपॉन द choice of drug or the drug that you have to extract. So next is therapeutic value of drug. So what do you mean by therapeutic value of drug? मतलब कि एक जो ड्रग होता है भाई उसकी एक थेरेपेटिक वैल्यू होती है उसकी एक एक्टिविटी होती है। सो व्हेन द ड्रग इज कंसिडर्ड टू बी थेरेपेटिक वैल्यू द मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इज रिक्वायर्ड सो द प्रोसेस परकुलेशन प्रोसेस इज यूज। मतलब क्या कि ऐसा ड्रग जिसमें आपको कोई अच्छा उसकी थेरेपेटिक वैल्यू है उस ड्रग की तो उसका आपको क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं फिर उसको हम परकुलेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या है थेरेपेटिक वैल्यू ज़्यादा है। सो इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ड्रग द कॉस्टली ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग द परकुलेशन प्रोसेस वेयर चीप ड्रग्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय मैसिलेशन प्रोसेस। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि डिपेंड्स कि हमको ड्रग की क्वालिटी कैसे चाहिए। अगर हमको कॉस्टली अगर वो ड्रग कॉस्टली इसका मतलब क्या है कि वो जो ड्रग है वो ज़्यादा प्योर है उसकी जो उन्होंने एक्सट्रैक्शन की है वो अच्छी मेथड यूज़ की है एज़ कम्पेयर टू जो चीप ड्रग है उसकी। नेक्स्ट सॉल्वेंट। सो इफ़ वाटर इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट वो मैसिलेशन प्रोसेस शुड बी रिकमेंडेड। सबसे पहले जो एज अ सॉल्वेंट हम क्या यूज़ करते हैं हम जो यूज़ करते हैं वो एज अ वाटर हमको रिकमेंड करते हैं लेकिन इन सम सिचुएशन द परकुलेशन प्रोसेस शुड बी प्रेफर्ड इन नॉन एक्वियस सॉल्यूशन आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। अभी देखो यानी कि आप अगर परकुलेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे नॉन एक्वियस यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता वो यूज़ करना है आपको। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो द डाइल्यूट प्रोडक्ट सच एज टिंक्चर्स कैन बी मेड बाय यूजिंग मैसिलेशन और परकुलेशन प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन द अदर फैक्टर। फॉर सेमी कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन सच एज कॉन्सेंट्रेटेड इन्फ्यूजन डबल और ट्रिपल मैसिलेशन प्रोसेस कैन बी यूज। द लिक्विड एक्सट्रैक्ट और ड्राई एक्सट्रैक्ट विच आर कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन आर प्रिपेयर बाई यूजिंग परकुलेशन प्रोसेस।
यानी कि क्या कि जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट है वो ये क्या फैक्टर है कि आपको कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रिपरेशन दी हुई है और उससे आपको डाइल्यूट करना है, तो जैसे ही आप उसको डाइल्यूट करोगे उसकी जो इफेक्ट है वो भी वहाँ पर क्या होगा, फिर डोज वो भी चेंज होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिक्वायरमेंट वी सिलेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट, सो यहाँ पर हमने सारी की सारी मेथड्स देख लिए। अब इसके बाद जो हम देखेंगे कि वो ये है कि भाई आयुर्वेदिक के अंदर कौन कौन से डोसेज फॉर्म होते हैं, उसका बेसिकली इसके हम डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पे। अगर आप इसको डेफिनेशंस को घर के ऊपर भी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की डेफिनेशंस और कौन सी प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं। सो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले कि भाई आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इट इज़ अ मोस्ट एंशियंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इन आयुर्वेदिक सिस्टम द क्रूड ड्रग्स metals, minerals, घी, oil, stone, etc. are used as medicine in various form. यानी कि जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है उसमें हम जो क्रूड ड्रग्स है, जो मेटल्स है, जो मिनरल्स है, जो घी है, ऑयल्स है और स्टोन्स है, वो हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं, एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि अब मेटल्स क्यों, कौन सी मेटल हम एज आयुर्वेदिक प्रिपरेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर का क्या होता है कि एज अ उसमें जैसे कि उन्होंने बोला कि मेटल को हम क्यों यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन। अभी जैसे कि कॉपर, अगर आप कॉपर में किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, लेकिन साइंटिफिकली अगर आप कॉपर का पानी पीते हो तो वो अल्कलाइन होता है, वो आपका बीपी रेगुलेट करता है आप, और आपकी बॉडी को जो है वो आयोनाइज वाटर जो है वो देता है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो मेंटेन रहती है, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर आपको किडनी स्टोन नहीं होता, आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, आपको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को आप, हमारी जो रोज़ की लाइफ होती है, डेली रूटीन जो होती है, हमारा लाइफस्टाइल जो होता है, उसमें हमको यूज़ करना चाहिए घर के अंदर। सो द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमन आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म विच आर यूज इन दिस सिस्टम। सो हम देखेंगे कि लिक्विड प्रिपरेशन जो होती है वो कौन कौन सी, आपने ये सब नाम सुना होगा पहले, लेकिन उसको असल में बोलते वो जो नेम है, उन्होंने जो नेम दिया उसका, वो बेसिकली किस वजह से दिया है उसको वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वाथ, है ना। सो क्वाथ्स क्या होती है कि इट इज़ ऑल्सो अ डिकॉक्शन एंड इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग वन पार्ट ऑफ वेजिटेबल सब्सटेंस और ड्रग्स दैट इज रूट्स, वुड्स, बार्क, लीव्स और फ्रेश प्लांट इन कोर्स पाउडर और कट और स्लाइस इंटू स्मॉल पीसेज विथ 8 or 16 पार्ट्स ऑफ वाटर इन अर्थन pot boiled till the whole is reduced to 1/4 or 1/8 or 1/16 quantity of water. Quath should be prepared fresh every day. यानी कि क्या कि क्वाथ क्या होता है कि अगर आप किसी पाउडर को, आप किसी प्लांट को, मतलब क्वाथ मतलब क्या, काढ़ा, जिसको काढ़ा ही बोल सकते हैं हम इसको, कि क्या करते हैं आप इसमें कोई भी प्लांट लेते हैं, उसके लीव्स लेते हैं, उसके बार्क लेते हैं और आप उसको बॉइल करते हैं, जिसकी वजह से, और उसको बॉईल करने के बाद जो प्रिपरेशन बनती है उसको बोलते हैं क्वाथ्स। उसके बाद अर्क, अब आपने अर्क ये नाम सुना होगा। सो इट इज़ अ डिस्टिल एसेंस और लिक्विड्स मेड बाय सोकिंग ड्रग इन वाटर फॉर 24 to 48 आवर्स देन डिस्टिलेटिंग द सेम। द डिस्टिलेट कलेक्टेड इज कॉल्ड अर्क्स। सो अर्क्स आर जस्ट लाइक एरोमेटिक वाटर्स प्रिपेयर बाय डिस्टिलेशन यूज इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अर्क इज यूज इन फीवर, डायस्पेप्सिया एंड कूलिंग लोशन व्हेन इट अप्लाई टू एक्सटर्नली। अभी देखो जो गुलाब वाटर है वो क्या है, गुलाब का अर्क आपने सुना ही है, तो ये किसकी एग्जांपल है, अर्क की। उसके बाद अरिष्ठा, अभी देखो आप बाज़ार में प्रिपरेशन मिलती है आंसू अरिष्ठा, है ना, पूर्ण अरिष्ठा, तो ये क्या है, ये प्रिपरेशन इस तरह से होती है, जैसे कि आप मार्केट में देखेंगे आंसू अरिष्ठा। तो अरिष्ठा क्या, अरिष्ठा इस तरह से नाम क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारी क्लेरिफिकेशन होंगे क्लियर, कि अगर कोई मार्केट में देखा होगा कि आंसू अरिष्ठा मिल रही है या फिर इस तरह की कोई प्रिपरेशन मिल रही है, तो उसमें क्या होता है, सो दिस आर द वीक एल्कोहलिक प्रिपरेशन। क्या होता है उसमें, अल्कोहल जो होता है वो वीक होता है बाय मेकिंग अ डिकॉक्शन ऑफ ड्रग्स एंड देन अलाउइंग देम टू अंडरगो फर्मेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ रॉ शुगर और हनी। यानी कि आप उसमें हनी या रॉ शुगर डालकर उसको आप फर्मेंटेशन के लिए वहाँ पर रखते हो। द फर्मेंटेशन इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज इन हॉट वाटर एंड फॉर 15 to 30 डेज इन कोल्ड वाटर। तो देखो इस तरह से जो भी हमने प्रोसीजर पढ़ी, इस तरह एक प्रोसीजर होती है अरिष्ठा को बनाने की, और उसकी एग्जांपल इन्होंने दिए दशमूल अरिष्ठा, देखो वो डाबर दशमूल अरिष्ठ, इसके एक आइडेंटिटी के ऊपर, तो ये इसकी एग्जांपल है। और नेक्स्ट इज अशोक अरिष्ठा, अभी देखो नेक्स्ट इज असवा, देखो मैंने बोला ना असवा अरिष्ठा ये एक प्रिपरेशन मिलती है मार्केट में, तो ये दोनों को मिला के, यानी कि क्या है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो असवा क्या है,
So these are medicated alcoholic liquids prepared by fermentation of raw vegetable juice with honey or jaggery or treacle. यानी कि क्या कि जो ड्रग है हमारा जो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है उसको हम किस चीज़ में प्रिपेयर करते हैं, वेजिटेबल जूस, जो वेजिटेबल है हमारी उसके साथ में हम हनी या गुड़ जिसको हम जैगरी बोलते हैं वो डालकर उसको अगर बनाते हैं हम उस प्रिपरेशन को, क्यों, ये डिकॉक्शन के लिए। और फिर उसको द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स लीव्स बार्क्स एक्सेट्रा आर कट इन टू पीसेस एंड इन्फ्यूजन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर एंड इन एयर टाइट अर्थन जार्स। अर्थन जार्स में क्या, मिट्टी के बने हुए बर्तन। सो हनी और ट्रेकल इज मिक्स इन इट, द फर्मेंटेशन इज डन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। सो इस तरह की प्रिपरेशन बनाने की मतलब जिसमें आप एक वेजिटेबल मतलब सोर्स से प्लांट लिया आपने, फिर उसको आप अल्कोहल ऐड करके उसमें आप जैगरी यानी कि गुड़ या फिर आप हनी ऐड करके उसको आप 6 मंथ के लिए स्टोर करके रखते हो, इस तरह की प्रिपरेशन को आप असवाज बोलते हैं। नेक्स्ट इस काजिका, यानी कि उसको कांजिका भी बोलते हैं और उसका हिंदी में बोलते हैं काजिका। अब ये क्या है, इट इज़ अ सोअर लिक्विड प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ पाउडर पैडी। यानी कि पाउडर पैडी क्या है, ये ब्रैसिका जुनकिया एंड अदर ग्रेन्स, ये एक तरह की ग्रेन है जिसमें इट इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विद एन एसिड टेस्ट एंड वाइनियस स्मेल, इट इज़ कूलिंग यूजफुल एज अ ड्रिंक इन फीवर एंड बर्निंग ऑफ द बॉडी। यानी कि किस कौन से टाइप पे बनाते हैं आप इसको, जब आपकी बॉडी में फीवर या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो आप तब इस तरह की मेडिसिन को ले सकते हो। नेक्स्ट इज शिरपका, सो इट इज़ अ डिकॉक्शन इन मिल्क विच इज़ प्रिपेयर बाय बॉइलिंग 1 part ऑफ द ड्रग इन 8 parts ऑफ द मिल्क एंड 32 parts ऑफ द वाटर टिल द मिल्क अलोन रिमेन्स द डिकॉक्शन इज स्ट्रेन। तो ये क्या है कि ऐसी प्रिपरेशन में जिसमें आपको डिकॉक्शन जो किस चीज़ में करते हैं आप, मिल्क के अंदर, जिसमें आप 8 part मिल्क के लेते हो और 32 parts वाटर के लेते हो। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्वरस, क्या है ये, दिस आर फ्रेश एक्सप्रेस जूस प्रिपेयर्ड बाय क्रशिंग ग्रीन फ्रेश मेडिसिनल प्लांट इन वाटर एंड एक्सप्रेस्ड स्ट्रेन थ्रू अ क्लीन मसलिंग क्लोथ दैट इज तुलसी सरसवा। नेक्स्ट इज हीमा, इट इज़ अ कोल्ड इन्फ्यूजन, 1 part ऑफ द ड्रग इज पुट इन द 6 part ऑफ कोल्ड वाटर एंड केप्ट ओवर नाइट इन एन अर्थन पॉट, नेक्स्ट डे ड्रग इज टेकन into the macerated well and filled with and filtered through a clean cloth. The preparation thus prepared is called hemakalpana. यानी कि जो preparation इसमें क्या करते हैं आप कि cold infusion, इसमें आप क्या करते हो drug को क्या करते हैं, 6 part जो लेते हैं आप drug के, उसमें जो drug है जिसके 6 part cold water में आप उसको एक रात भर एक अर्थन पॉट के अंदर रखते हो, उसके बाद दूसरे दिन क्या करते हो आप उसको मैसेरेट करते हो, आपको फिर उसको फिल्टर करते हो क्लीन क्लोथ की मदद से, और इस तरह से प्रिपरेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं हिमाकल्पना। उसी तरह से होता है फांटा और उसके बाद में पानिया पेया मांडा और उसके बाद तैलास। तो इस तरह से ये बाकी की लिक्विड प्रिपरेशन है जो आपको ये पढ़कर रखनी है, कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन है और उसकी मीनिंग आपको समझनी है। उसके बाद से हम देखेंगे कि सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होते हैं। सो अहवेल, यानी कि क्या इस तरह की प्रिपरेशन आपको बनानी है तो क्या है ये सेमी सॉलिड के अंदर, दिज आर थिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग, the decoction of the drug is prepared and after straining it is again boiled down to thick and soft consistency with sugar or honey. यानी कि क्या ये जो प्रिपरेशन है किस तरह से बनती है कि आपको डिकॉक्शन के बाद उसको फिर से आप उस प्रिपरेशन को बॉयल करते हो और बॉयल करने के साथ साथ आप उसमें हनी या जैगरी ऐड करते हो ताकि या शुगर ऐड करते हो ताकि उसकी कंसिस्टेंसी वो कैसे हो, वो थिक और सॉफ्ट हो वहाँ पर। तो इस तरह से बनता है अहवेल। उसके बाद में कलकास, तो कलकास क्या है, इट इज़ अ पेस्ट विच इज़ प्रिपेयर बाय ग्राइंडिंग ड्राई और फ्रेश होल वेजिटेबल सब्सटेंस मॉइस्टन विद वाटर और अ फ्लैट स्टोन और स्लैब विद अमलर। यानी कि क्या कि ये जो प्रिपरेशन है यानी कि जो ड्राई और फ्रेश होल वेजिटेबल सब्सटेंस होते हैं उनको मॉइस्ट करके उसको गीला करके उसको पीसने का काम, यानी कि फिर आप किस तरह से पीस सकते हो उसको, घर में आपने देखा होगा आप मसाले किस तरह से पीसते हो, वो पत्थर होते हैं हमारे घर के अंदर है ना, तो उस तरह से अगर आप पीस कर किसी चीज़ को उस तरह की प्रिपरेशन बना रहे हो और फिर उसमें आप हनी घी या किसी तरह का ऑयल ऐड कर रहे हो, कितना जितनी आप ड्रग आपने जितना पीसा है उसकी डबल क्वांटिटी में आप हनी या घी या ऑयल उसमें ऐड कर रहे हो, फिर उसके बाद में शुगर ऐड कर रहे हो या जैगरी मिक्स कर रहे हो उसमें, तो इस तरह की प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं, कलकास। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है, निम्बा कलका। उसके बाद में घन क्या, इट इज़ अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ क्वार्ट्ज टू सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी। घन्स आर मीन्ड फॉर कन्वर्टिंग क्वार्ट्ज
टू टेबल्स और पिल्स, यानी कि क्या कि जो प्रिपरेशन कैसी है कि जो ऑपरेशन करते हैं आप इसमें कॉक्स का, उसी तरह से है ग्रीटास, पकास, मुरम्बास, यानी कि मुरम्बास मतलब क्या मुरब्बा भी बोला उन्होंने, देखो अब सभी को पता है बाल आंवले का मुरब्बा, ये सब इस तरह से जो है ये भी क्या है एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है। सो क्या है, दिस आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और फ्रूट मेड बाय सोकिंग देम इनटू सिरप और हनी। घर में जो होता है, अगर आपने मुरब्बा अगर घर में बनता हो तो देखा होगा आपने कि जो हनी जो आंवले होते हैं वगैरह क्या करते हैं उसको डीप करके रखते हैं शुगर के वाटर के अंदर, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट इज सॉलिड डोसेज फॉर्म। अब सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है, इसमें फर्स्ट है अंजन, तो अंजन क्या है, दिस आर मेडिकेटेड फाइन पाउडर इंटेंडेड टू बी यूज इन आइस, देयर लोकल इफेक्ट टू रिलीव पेन स्पेशली इन द हेड, अंजन आर रिकमेंडेड इन आयुर्वेदा। अब अंजन क्या है कि ये ऐसी प्रिपरेशन है जिसको आपको अगर आपके आइज में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ पेन हो रहा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है भस्मास। सो भस्मास क्या है, दिज आर द एशेस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड मिनरल सब्सटेंस, यानी कि क्या है होती है ये राख होती है किस चीज़ की, वेजिटेबल्स की, और जो मिनरल सब्सटेंस होती है उनकी राख होती है। द वेजिटेबल सब्सटेंस आर कट इन टू कोर्स पाउडर और पीसेज देन बर्न टिल दे आर कम्प्लीटली रिड्यूस टू एशेस। द मिनरल एशेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स, द मेटल्स आर फर्स्ट सब्जेक्टेड टू प्योरीफिकेशन बाई ट्रीटमेंट विद ऑयल, फैट, फ्री क्रूड एंड काउज यूरिन। द प्योरीफाइड मास इज ऑक्सीडाइज एंड देन सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। द रोस्टेड मास इज रिड्यूस टू अ फाइन पाउडर एशेज और ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम वेरियस एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज हार्ट्स, हॉर्न्स, पर्स, काउरीज एक्सेट्रा। सुवर्ण भस्मा, शनाखा भस्मा, लोहा भस्मा, ये क्या है भस्मास की प्रिपरेशन, किस तरह से बनती है ये प्रिपरेशन। इसमें आप क्या करते हो कि वेजिटेबल को बारीक कट करते हो और उसको उसका राख बनने तक आप उसको क्या करते हो हीट अप्लाई करते हो। उसी तरह से अगर इसमें आपको मिनरल भी ऐड करनी है तो मिनरल को पहले आप क्या करते हो, पहले उसको आप प्यूरीफाई करते हो और फिर उसको आप इवापोरेट करते हो। मिनरल मीन्स वॉट, जब अगर मेटल आप उसमें ऐड करनी है, जैसे कि अगर आप कुछ लोग गोल्ड जो होता है वो गोल्ड के इवापोरेट करके उसको इस तरह की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लोहा की एग्जांपल दी, मतलब इसमें एज अ मिनरल लोहा यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है चूर्ना। जब चूर्ण सबको पता है घर के अंदर कायम चूर्ण इज़ अ एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिपरेशन। सो इसमें क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे ड्रग होते हैं उनको पाउडर करते हैं हम और आपस में मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से रसास, गुटिकास, पेस्टीस, विकास, वृत्ति, श्रास, इस तरह से प्रिपरेशन होती है। तो ये सारी प्रिपरेशन आपको देखनी है, उसकी डेफिनेशन समझनी है क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि भाई ये सब क्या होता है। सो यहाँ पर उन्होंने एक नोट दी है कि अश्वास, अरिस्टास, एहल्यास, क्वच, ग्रीटास, टाइलास आर रेगुलर प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग कंटेनिंग अ डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग, यानी कि जो प्रिपरेशन है ये रेगुलर प्रिपरेशन है जो आप मार्केट में देखते हो, और ये जो प्रिपरेशन है इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है, इतना उनको बोलना है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वो खत्म होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी the heat process. Thank you.